IndianTimesDaily.com में आपका फिर से स्वागत है और कनाडा की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। हजारों लोगों ने बिलियनेयर फिलैंथ्रोपिस्ट बैरी और हनी शर्मन के मेमोरियल में हिस्सा लिया, जिन्हें दो हफ्तों पहले टोरंटो में उनके घर में मृत पाया गया था। पीएम जस्टिन ट्रूडो, ओंटारियो के प्रीमियर कैथलीन विन और टोरंटो के मेयर जॉन टोरी उसमें मौजूद खास शख्सियतों में से थे। कनाडा ने खुद को यूएन के एक मतदान में अनुपस्थित रखा, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के यूएस एम्बेसी को जेरूसलम शिफ्ट करने के फैसले की निंदा की गई। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद कि जिस देश ने भी इस रेजोल्यूशन का समर्थन किया वह उसके खिलाफ जाएंगे, कनाडा असमंजस में पड़ गया था। विपक्षी पार्टियों ने पीएम जस्टिन ट्रूडो से कहा है कि वह पिछली क्रिसमस में व्यवसायी आगा खान के निजी द्वीप में मनाई गई छुट्टी में अपने आने जाने और सुरक्षा पर हुए सरकार के पैसों का पूरा या आधा भुगतान करें। कंजर्वेटिव एथिक्स आलोचक पीटर केंट ने कहा कि ट्रूडो पर यह देश के नागरिकों का कर्ज है। ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बुल बोर्ड ने संकेत दिया है कि हाइड्रो वन हेलीकॉप्टर के बाहर प्लेटफॉर्म पर जो टूल बैग रखा हुआ था वही उस घातक हादसे की वजह है। एक बेतरतीब तरीके से रखा हुआ टूल बैग हेलीकॉप्टर के पीछे वाले रोटर से टकराया, जिससे वह ईस्टर्न ऑन्टारियो में क्रैश हो गया। दक्षिण ऑन्टारियो की एक सड़क अपना नाम स्वास्तिका ट्रेल बरकरार रखेगी। पसलिंच टाउनशिप के काउंसिलर्स ने 4-1 के वोट से इस सड़क का नाम बनाए रखने का फैसला किया, लेकिन उसी सड़क में रहने वाले लोगों ने शपथ ली कि वह स्थानीय नेताओं के खिलाफ इस विवादास्पद नाम को बदलने की अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पब्लिक सेफ्टी कनाडा ने आगाह किया है कि कट्टरवादियों द्वारा चाकू और वाहनों से आसान पर घातक हमलों को अंजाम देने की घटना बढ़ रही है। पिछले 2 सालों में ऐसी घटनाओं की संख्या लगभग बराबर रही है, क्योंकि कट्टरवादियों के लिए कनाडा से सफलतापूर्वक निकलना या वापस आना मुश्किल होता जा रहा है। ऑन्टारियो एनर्जी बोर्ड ने नेचुरल गैस की नई कीमत जारी कर दी है, जो 1 जनवरी से लागू होगी। एम्ब्रिजन कॉर्पोरेशन के औसत यूसेज वाले कस्टमर्स को साल में $58 ज्यादा का भुगतान करना होगा, जिसमें ओईबी का पिछला फैसला और बिल में क्रेडिट की एक्सपायरी भी शामिल है। 2016 में कनाडा का लगभग 1.4 मिलियन हेक्टर जंगल आग में भेंट चढ़ गया और करीब 17.6 मिलियन हेक्टर कीड़ों के। नेचुरल रिसोर्सेज कनाडा के अनुसार देश लकड़ी काटने की तुलना में आग और कीड़ों की वजह से 20 गुना जंगल खो देता है। पिछले महीने कनाडा की वार्षिक महंगाई दर एक नई ऊंचाई को छूती हुई 2.1% पर पहुंच गई। स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि नवंबर की महंगाई दर अक्टूबर के 1.4% से काफी ऊपर चली गई है, जिससे गैसोलीन और एयर ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। टोरंटो रीजनल ट्रांजिट एजेंसी ने मेट्रोलिंक्स बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन को दिए गए $770 मिलियन के ऑर्डर में से लाइट रेल व्हीकल का आधा ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। इस अग्रीमेंट में संशोधन किया गया है और अब बॉम्बार्डिया एग्लिंटन क्रॉसटाउन प्रोजेक्ट के लिए 182 लाइट रेल व्हीकल्स की जगह 76 का ही निर्माण करेगा। इसी के साथ हमारा न्यूज बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉक्ड ऑन रहें, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक सभी कनेडियन बिजनेसेस और रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे।